गाइस, क्या आप लोग भी परेशान हैं इंस्टाग्राम की सर्च हिस्ट्री से? यानी कि अगर आप लोग किसी की भी प्रोफाइल को विजिट करते हो और उसको फॉलो नहीं करते, लेकिन उसके बाद जैसे आप लोग सर्च बार में जाते हो और उसके नाम का फर्स्ट लेटर लिखते हो तो उसकी प्रोफाइल आ जाती है। और ऐसे में हम बहुत ज्यादा परेशान हो जाते हैं, क्योंकि अगर हम किसी के सामने बैठे हुए हैं, कुछ सर्च बार में गए, उसके नाम का फर्स्ट लेटर लिखा और उसकी प्रोफाइल सजेस्टेड में आ जाती है, और हम परेशान हैं, क्योंकि यार हम नहीं चाहते पूरी दुनिया को बताना कि हम किसकी प्रोफाइल को चेक वगैरह करते हैं। तो अगर आप लोग भी इंस्टाग्राम की सजेस्टेड हिस्ट्री से परेशान है तो मैं आपको बता दूं, आप बिल्कुल सही वीडियो पे आए हो, क्योंकि इस वीडियो में मैं आपको 100% जेन्युइन ट्रिक बताने वाला हूं जिसके जरिए आप लोग इस प्रॉब्लम से छुटकारा पा सकते हो। तो वीडियो बहुत इंटरेस्टिंग होने वाली है। उससे पहले मैं आप लोगों से दो चीजें कहना चाहता हूं। पहला तो इस वीडियो को लाइक कर दो, और दूसरी चीज आप लोगों को यह करनी है कि कमेंट सेक्शन में जाना है और उस पर्सन का नाम कमेंट करना है जिसकी आप लोग प्रोफाइल वगैरह विजिट करते हो। और कोई भी टेंशन वाली बात नहीं है, क्योंकि यहाँ पे कमेंट सेक्शन में ना तो आपका कोई रिलेटिव है ना ही आपका कोई फ्रेंड है, तो प्लीज कमेंट करना। कमेंट मजेदार आएंगे तो मजा आएगा यार, इसलिए कमेंट जरूर करना। तो मेरा नाम है मनीष और आप देख रहे हैं मनीष फॉर यूट्यूब चैनल। सो विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम लेट्स गेट स्टार्टेड। तो गाइज, जैसा कि आप यहाँ पे देख सकते हैं, मैं अपने इंस्टाग्राम अकाउंट पे आ चुका हूँ, और अब हम लोग सर्च बार वाले ऑप्शन में चलते हैं। तो यहाँ पे सर्च बार में मैं आ गया हूँ और सर्च के ऑप्शन पे टैप करता हूँ। तो यहाँ पे मैं आपको एग्जांपल समझा देता हूँ कि जो सजेस्टेड अकाउंट है ये किस तरीके से काम करते हैं। तो एग्जांपल यहाँ पे मैं यू लिखूंगा ना, तो उर्वशी राउतेला का अकाउंट आ जाएगा, जबकि मैंने उनका नाम पूरा नहीं लिखा है, जस्ट मैं इनकी प्रोफाइल को विजिट कर रहा हूँ, तो इनका पूरा की पूरा यहाँ पे जो अकाउंट है वो आ रहा है यू लिखने पे। तो इस तरीके से आपके साथ भी होता है कि आप लोग भी किसी की प्रोफाइल वगैरह विजिट करते हो ना, तो जैसे उसके नाम का फर्स्ट लेटर लिखते हो तो उसका अकाउंट आ जाता है, और यही सबसे बड़ी प्रॉब्लम है। जैसे यहाँ पे मैं वी लिखूंगा ना तो विराट कोहली आ जाएंगे, ये देखो। तो इस प्रॉब्लम का देखो काफी लोगों को ये सॉल्यूशन लगता है कि यहाँ पे डायरेक्टली सी ऑल पे क्लिक करके अगर हम लोग क्लियर हिस्ट्री कर देंगे तो इस चीज से हमें छुटकारा मिल जाएगा। तो ऐसा बिल्कुल नहीं है, सिर्फ आपकी सर्च हिस्ट्री क्लियर होती है, सजेस्टेड हिस्ट्री क्लियर नहीं होती है। एग्जाम्पल यहाँ पे मैं यू लिखूंगा ना तो अगेन आप यहाँ पे देखो कि उर्वशी राउतेला आ रही है, वी लिखूंगा विराट कोहली आ रहे हैं, ये देखो। तो यहाँ से ये वाला ऑप्शन नहीं काम करता, ये सिर्फ और सिर्फ सर्च हिस्ट्री के लिए होता है। अब यहाँ पे मैं क्या करता हूँ, उर्वशी राउतेला का अकाउंट विजिट कर लेता हूँ, और यहाँ पे मैं विराट कोहली का भी विजिट कर लेता हूँ, ठीक है, विराट कोहली। तो यहाँ पे हम लोगों ने विजिट कर लिया। अब हम लोग एक काम करते हैं, एक आदि और लोगों का विजिट कर लेते हैं। यहाँ पे मैंने रश्मिका का अकाउंट भी विजिट कर लिया है, राशि खन्ना का भी हम लोग विजिट कर लेते हैं। ये हम लोगों ने अकाउंट विजिट कर लिया, ठीक है। अब यहाँ पे हम लोगों को एक और ऑप्शन इंस्टाग्राम की तरफ से देखने को मिल जाता है, तो उसको भी हम लोग लाइव टेस्ट कर लेते हैं कि वो काम करता है या नहीं, ठीक है। तो यहाँ पे तीन लोग हमारे यहाँ पे रीसेंट सर्चेस में, और अब हम लोग प्रोफाइल वाले सेक्शन में चलते हैं, और यहाँ पे हम लोग क्लिक करेंगे और यहाँ पे हमें एक नया ऑप्शन देखने को मिल जाता है, यूआर एक्टिविटी, इसमें चलते हैं। और यहाँ पे हम लोगों को एक ऑप्शन देखने को मिल जाता है रीसेंट सर्चेस, और इस पर भी हम क्लियर ऑल कर देंगे ना तो यहाँ से हमारी सर्च हिस्ट्री क्लियर होगी, सजेस्टेड नहीं। जैसे कि मैं अगेन यहाँ पे लिखूंगा यू तो उर्वशी राउतेला आ रही है, और यहाँ पे विराट वी लिख रहा हूँ तो विराट कोहली। तो सिंपल सा सॉल्यूशन इसका ये है कि आप लोगों को क्या करना है कि इनकी प्रोफाइल विजिट करनी है इस तरीके से, और इन्हें ब्लॉक कर देना है। तो अब आप बोलेंगे और ये भाई क्या बता रहा है, रुको भाई पूरी वीडियो देखो, ध्यान से देखना, एक भी पार्ट को मिस मत करना, ठीक है। तो सिंपली हम लोग ब्लॉक के ऑप्शन पे क्लिक कर देंगे और यहाँ से इन्हें ब्लॉक कर देंगे, जो लोग हमारी सजेस्टेड हिस्ट्री में आ रहे हैं और हम दुनिया को नहीं बताना चाहते कि इन लोगों के बारे में हम सर्च करते हैं, ठीक है। जो हमारे आसपास ऐसे बैठते हैं, हमारे साथ इंस्टाग्राम वगैरह यूज़ करते हैं, तो हम लोग उनके सामने सर्च करें तो उनका अकाउंट ना आए, उसका सोल्यूशन बता रहा हूँ। और यहाँ पे जैसे यू सर्च करते हैं, उर्वशी राउतेला, इनको भी यहाँ से ब्लॉक कर देंगे, ये मैंने ब्लॉक कर दिया, ठीक है। तो अब यहाँ पे मैं आपको सर्च करके बता देता हूँ, यू लिखूंगा अभी पहले तो यहाँ पे अभी सर्च में आएंगे, क्योंकि हम लोग इंस्टाग्राम में ही हैं अभी, तो हम लोग इंस्टाग्राम का से बैक करेंगे और अगेन इंस्टा में चलेंगे। ये इंस्टाग्राम में आ गया मैं, और इंस्टाग्राम ओपन होने के बाद हम लोग अगेन सर्च बार में चलेंगे और यहाँ पे यू लिखूंगा ना, उर्वशी राउतेला का अकाउंट नहीं आएगा। यहाँ पे आप देख सकते हो वी लिखूंगा, विराट कोहली का भी अकाउंट नहीं आ रहा है ना। अब हम लोगों को क्या करना है मैं आपको बताता हूँ, उसके बाद हम लोगों को प्रोफाइल वाले सेक्शन में आ जाना है, और प्रोफाइल वाले सेक्शन में आने के बाद हम लोगों को यहाँ पे क्लिक करना है और सेटिंग्स में जाना है, और सेटिंग्स में जाने के बाद हम लोगों को यहाँ पे जाना है प्राइवेसी वाले ऑप्शन में। तो प्राइवेसी वाले ऑप्शन में आने के बाद हम लोगों को कनेक्शंस में ब्लॉक्ड अकाउंट शो कर रहा है, तो इसे हम लोगों को ओपन करना है, तो यहाँ से मैं ओपन कर लूंगा। तो यहाँ पे हम लोग देख रहे हैं कि दो लोग ब्लॉक हैं, उर्वशी राउतेला और विराट कोहली। तो इस तरीके से जो भी आपकी सजेस्टेड हिस्ट्री में आ रहे हैं उनको आपको ब्लॉक करना है, तो ये यहाँ पे शो करेंगे। एग्जाम्पल आप लोगों को उन लोगों की नई नई पोस्ट देखनी है, उनकी स्टोरीज वगैरह देखनी है, तो सिंपली आपको क्या करना है, उनका अकाउंट विजिट करना है इस तरीके से, यहाँ पे विजिट करके अनब्लॉक कर देना, ठीक है। अनब्लॉक करा आप लोगों ने, रिफ्रेश करा इस तरीके से, और उनकी पोस्ट वगैरह देख ली आराम से, जो भी देखना है स्टोरीज देखना है देख लिया आपने स्टोरीज वगैरह। और अगर आप लोग ऐसे स्टोरीज को सीक्रेटली देखना चाहते हो तो मैंने इस पर एक वीडियो बनाई, आप वो वाली भी देख सकते हो, है ना।
तो यहाँ पे हम लोगों ने पोस्ट भी देख ली उस पर्सन की और स्टोरीज भी देख ली। तो यहाँ से हम लोगों को एक काम बहुत ज्यादा याद से कर देना है कि हम लोगों को इनको अगेन ब्लॉक कर देना है, वरना वो लोग अगेन सजेस्टेड हिस्ट्री में आने लग जाएंगे। ठीक है, तो सिंपली यहाँ पे मैं टैप करूंगा और ब्लॉक कर दूंगा। ये देखो यहाँ से ब्लॉक कर दिया। ठीक है, और यहाँ से मैं क्या करता हूँ कि विराट कोहली को अनब्लॉक कर देता हूँ। ये अनब्लॉक कर दिया मैंने, तो मैं आपको बता देता हूँ मैं क्या कहना चाह रहा हूँ। तो यहाँ पे जैसे मैं यू लिखूंगा ना, तो उर्वशी राउतेला नहीं आएंगे क्योंकि वो मेरी ब्लॉक लिस्ट में है। ठीक है, लेकिन यहाँ पे मैं जैसे वी लिखूंगा विराट कोहली आ रहे हैं। तो आप लोगों को ये ध्यान में रखना है कि उस पर्सन को ब्लॉक रखना, और जब भी आपको उनकी प्रोफाइल देखनी है सिंपली ब्लॉक्ड वाले सेक्शन में जाके विजिट करके अनब्लॉक करके उनकी प्रोफाइल की जो भी फोटोज वीडियोज देखनी हो देख लो, एंड अगेन यहाँ से ब्लॉक कर दो। तो यही एकमात्र तरीका है जिसके जरिए आप लोग सजेस्टेड हिस्ट्री को हाइड कर सकते हैं, और ऐसी और वीडियोज को देखने के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब करने के साथ बेल आइकन पर प्रेस कर सकते हैं।